नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है, जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। और मेरा जो सॉफ्टवेयर है, ये AmiBroker और MetaTrader दोनों के ऊपर बेस करके ही काम करता है। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं, या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद ये आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। देखिए, आज को मैं कुछ लाइव वीडियो बना रहा हूँ क्रूड ऑयल के ऊपर बेस करके। तो आज का जो मेरा वीडियो का पर्पस है, वह जो थोड़ा लंबा खेलना पसंद करता है लॉन्ग टर्म के ऊपर बेस करके, तो उसके लिए ये वीडियो बेसिकली मैं बना रहा हूँ। तो बेसिकली मैं पहले सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो सॉफ्टवेयर होता क्या है, कैसे ही आपको हेल्प करने वाला है। सॉफ्टवेयर का काम होता है मार्केट का बायर्स एंड सेलर्स को फिल्टर करना, और ट्रेंड के ऊपर डिपेंड करके आपको ऑटोमेटिकली सिग्नल देता है, जो कहाँ पर आपको बाय करना है, कहाँ पर सेल करना है, कब आपको एग्जिट करना है, ईच एंड एवरीथिंग। अब जो मेन चीज़ होता है वह है प्रेडिक्शन। कॉल तो बहुत सारा बनता है, इसका मतलब ये नहीं जो हर एक कॉल ही अचीव होता है। हम लोग देखते हैं कुछ कॉल अचीव होता है, बहुत सारा कॉल अचीव नहीं होता है। तो कॉल आइडेंटिफिकेशन इस मार्केट के लिए सबसे चैलेंजिंग मैटर होगा। तो सबसे बिगिनिंग से देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, ये जो ब्लू कलर का एरो दिखाई दे रहा है, दैट इज द बाय सिग्नल। जब भी कोई सिग्नल बनेगा, ऑटोमेटिकली स्क्रीन के ऊपर एक पॉपअप आ जाएगा साउंड के साथ। इसका मतलब है आपको कॉल ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ेगा, या फिर कोई स्क्रिप्ट को खोल के कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करने का भी जरूरत नहीं है। जैसे भी कहीं पर भी कुछ कॉल बना, आपका पास मैसेज आ गया, अब आपका काम होगा, जैसे जो ब्लू कलर का एरो दिखाई दे रहा है, दैट इज द बाय सिग्नल। अब ये कॉल कितना जेन्युइन है आपको देखना पड़ेगा। तो उसको समझने के लिए मिडिल में देखिए, आपको एक ग्रीन कलर का लाइन चल रहा है, जिसे हम लोग ट्रेंड लाइन कहते हैं। तो बाय के कॉल में मिडिल का लाइन का कलर को ग्रीन होना है, और मिडिल में आपको कुछ वायलेट टाइप का कैंडल दिखाई देगा, जिसे हम लोग ट्रेंड कैंडल कहते हैं। तो बाय का कॉल में जस्ट एक दो कंडीशन को आपको ध्यान में रखना है, जो मिडिल का लाइन का कलर ग्रीन है या नहीं है, और मिडिल का कैंडल का कलर वायलेट है या नहीं। अगर ये दो कंडीशन मैच होता है, तभी जाके उस कॉल में आप ट्रेड करेंगे अदर स्टॉक। जैसे देखिए, यहाँ पर आपको एक सेल का कॉल दिखाई दे रहा है, तो ये जो सेल का कॉल दिखाई दे रहा है, तो मिडिल का लाइन देखिए उस टाइम ग्रीन ही था। इसका मतलब है सॉफ्टवेयर ने सेल का कॉल दिया है, मगर मार्केट का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यूसली बाइंग में ही कंटिन्यू कर रहा है। मतलब एज पर लॉजिक ये सेल का कॉल आपके लिए सही नहीं है, इसमें आपको काम नहीं करना, दैट इज द फॉल्स सिग्नल। तो थोड़ा देर बाद देखिए फिर से बाय का कॉल आया और मार्केट को उठा दिया। सपोज ये सेल का कॉल अगर नहीं आता, तो बाय का कॉल भी नहीं आता। इसका मतलब आपका एक्चुअल बाय का कॉल यहाँ पर है, जो कंटिन्यू किया यहाँ तक। उसके बाद देखिए, यहाँ पर एक सेल का कॉल दिया था, तो ये कंडीशनली सही था, थोड़ा बहुत मोमेंटम दिया, उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गया। तो यहाँ पर आपको खास प्रॉफिट नहीं हुआ, मार्केट रिवर्स कर गया। फिर देखिए, यहाँ पर आपका एक बाय का कॉल दिया था, तो यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपको एक अच्छा रिटर्न देखे जा रहा है इस बाय का कॉल पे। उसके बाद देखिए, फिर से यहाँ पर एक सेलिंग का कॉल बना, सेल का कॉल में मिडिल का लाइन देखिए रेड होगा, मिडिल का कैंडल भी रेड होगा। इस टाइम देखिए आपको एक बाय का कॉल दिखाई दे रहा है, मगर मिडिल का लाइन रेड है, इसका मतलब ट्रेड आपका चेंज नहीं हुआ है। तो ये बाय का कॉल सेम एज आपका पहले जो सेल का कॉल था उस टाइप का, ये भी आपके लिए एक फॉल्स कॉल हो गया। अल्टीमेट देखिए फिर सेल का कॉल आया और मार्केट गिरा दिया। तो सपोज ये जो बाय का कॉल है, ये अगर नहीं आता, तो सेल का कॉल भी नहीं आता, तो एक्चुअल आपका सेल का कॉल है ये वाला, जो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एक प्रॉफिट देखे गया। तो लास्ट, अब मैं लास्ट कॉल में आता हूँ। ये जो लास्ट बाय का कॉल बना है, ये 18 तारीख को बना है, 18 फरवरी को ये बाय का कॉल दिया है, जो अभी तक कंटिन्यू कर रहा है। इतना तो देखिए अभी आपको दिखाई दे रहा है, मिडिल का जो लाइन है कंटिन्यूसली अभी भी ग्रीन है, मार्केट में कोई ट्रेंड अभी तक चेंज हुआ नहीं है। राइट साइड में देखिए, इसका रियल टाइम वैल्यू अपडेट होते हुए दिखाई देगा, जैसा 3895 इसका वैल्यू चल रहा है। इस मूवमेंट में कितना पोजिशन बायर्स या सेलर्स है, वो आपको देखिए यहाँ पे शो कर रहा है। जैसा मोर देन 60% मार्केट में अभी भी बायर्स है, मोर देन 30% सेलर्स है। अलग अलग टाइम फ्रेम में किसका पोजीशन स्ट्रांग है, वो भी दिखा रहा है। तो ये जो इंडिकेटर पैटर्न मैं आपको दिखा रहा हूँ, आज का मेरा वीडियो बेसिकली जो थोड़ा लॉन्ग टर्म में काम करना पसंद करता है, या 2-3 दिन का होल्डिंग लंबा पोजीशन लेना चाहता है, तो उसके लिए काफ़ी हद तक ये हेल्पफुल रहेगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा, ऑब्वियसली लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल को देख रहे हैं, ऑब्वियसली सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आपको इस मार्केट रिलेटेड मेरा और भी बहुत सारा वीडियोस देखना है, देन आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए राहुल सकर शेयर मार्केट बोल के, आपको मेरा बहुत सारा वीडियोस दिखाई देगा। आप 5-10 वीडियो देख लीजिए, आपके मन में जो भी डाउट या क्वेरीज आ रहा है क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट या क्वेरीज रहा, देन आप इस नंबर में मुझे फ़ोन कर सकते हैं, दैट इज़ माई व्हाट्सअप नंबर ऑल्सो। तो थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। तो मेरा आज का जो वीडियो था, बेसिकली जो थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेडर है उसके लिए है। और अभी भी देखिए आप वो देख सकते हैं, क्रूड ऑयल में लास्ट हम लोग का सॉफ्टवेयर ने बाय का ट्रेड 18 तारीख को दिया था। अगर मैं इस कैंडल से बाय का ट्रेड को पकड़ता भी हूँ, लगभग इसका वैल्यू था 3682 का आसपास। तो 3682 से लेके कंटिन्यूसली मार्केट अभी तक अप ट्रेंड जा रहा है, लगभग 200 पॉइंट ही आपको प्रॉफिट दे चुका है क्रूड ऑयल में। तो कंटिन्यूसली आपका अप ट्रेंड है, और अभी भी मार्केट का कोई ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। तो थैंक यू सो मच, गुड बाय।